story you were important. Then the story, the letter depicts the feelings of an old man. The letter जो कहानी है एक बूढ़े व्यक्ति के वृद्ध व्यक्ति के भावनाओं को व्यक्त करती है. Who suffers loneliness as his daughter left him as she was married. अकेलापन का शिकार है वृद्ध आदमी इसमें old man, क्योंकि एक मात्र बेटी थी, उसकी शादी हो जाती है, वो अपने पति के साथ चली जाती है. And went to her husband's home. He has not received any letter from her for the last 6 months. पिछले 6 महीनों से उसे कोई पत्र, कोई इन्फॉर्मेशन अपनी बेटी की नहीं मिली. खैर उसके क्या बोलते हैं, खैरियत की कोई सूचना नहीं मिली, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा जो भी होती है, मतलब उसके बारे में समाचार कोई नहीं आया. इट मेक्स हिम ऑल द मोर एंग्शियस एंड सैड. इससे और उदास हो जाता है. एक तो अकेलापन और दूसरा कोई समाचार अपनी बेटी का नहीं आया, खैरियत से है या नहीं है, वो सुख शांति से है या नहीं है. इट मेक्स हिम ऑल द मोर एंग्शियस, मीन्स परेशान, उदास बना देता है. He visits every day the post office in the hope of getting a letter from his daughter. रोज डेली प्रतिदिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है इस उम्मीद में कि उसकी बेटी का लेटर आएगा, उसे कोई पत्र आएगा. बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डू नॉट रिस्पेक्ट हिज फीलिंग्स. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उसकी भावनाओं की कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं देते उसकी भावनाओं को. लेट्स रीड मोर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. और पढ़ते हैं आगे क्या क्या कहानी है. यहाँ से टेक्स्ट शुरू होती है हमारी. इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन स्टार्स स्टिल ग्लोट. इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डॉन, सुबह का समय है, लालिमा आसमान में थोड़ी थोड़ी आई है. सनसेट से पहले का जो समय होता है 5 बजे के आसपास का, सूरज निकलने से पहले जो समय होता है डॉन टाइम होता है, DAWN, ये डॉन टाइम होता है. सितारे अभी भी चमक रहे थे आसमान में. एज हैप्पी मेमोरीज लाइट अप ए लाइफ दैट इज नियरिंग इट्स क्लोज. उपमा देखो कितनी अच्छी सिमिली है. लाइक एज हैप्पी मेमोरीज, जिस तरह से वृद्ध कोई बुजुर्ग आदमी, वृद्ध आदमी है और रियलिटी में से दौड़ के वो अपने हैप्पी मोमेंट्स में आ जाता है, पिछले समय की, पिछले गुजरे हुए समय की यादों को याद कर रहा है बैठा हुआ. वर्तमान तो कड़वा है उसके लिए, परंतु वो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए अपने पास्ट में खो जाता है और अपने पुरानी यादों में खोया हुआ है. और वो पुरानी यादें इस तरह से टिमटिमा रही हैं जैसे सितारे आसमान में ग्लो कर रहे, चमक रहे, वो चमक दे रही हैं उसके चेहरे पे. उसकी अपनी यादें, पुरानी यादें चमक दे रही हैं और वो खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है बैठा हुआ. और वो सितारे उसी तरह चमक दे रहे थे अभी अंधेरे में, राइट. और नियरिंग इट्स क्लोज मीन्स ऐसा वृद्ध आदमी जो अपने जो लाइफ का चैप्टर है वो समाप्त होने वाला है, ये नहीं पता कब मृत्यु उसको मिल जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, डेथ हो जाए. एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन. तो लेखक बताता है फोकस, जैसे कैमरे की फोकस होती है, कि एक वृद्ध आदमी शहर के बीच में से चला जा रहा है, सड़क पे किसी पे गलियों में से होता हुआ जा रहा है. बिल्कुल आसमान में सितारे हल्के हल्के चमक रहे हैं, अंधेरा भी है, रोशनी शुरू, सूर्य अभी प्रकाश नहीं आया, इतना नहीं आया, लालिमा हो चुकी है. और उस लालिमा में अंधेरा और प्रकाश जो होता है उसका मिक्सचर है. आसमान में सितारे टिमटिमा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं हल्की हल्की, वो जैसे कि वृद्ध आदमी जो मरने के कगार पे हो या लाइफ एक किस्म से कुछ एक उम्र के बाद, एक उम्र के पड़ाव के बाद बोनस हो जाती है, जितनी मिलती है ठीक है. तो वो वृद्ध आदमी जैसे खुश अपनी पुरानी यादों को अपने मन में सजाए हुए मुस्कुरा रहे, इस तरह सितारे टिमटिमा रहे थे. तो शहर के मध्य बीच में से जा रहे, नाउ एंड अगेन ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लोथ्स. टैटर्ड मीन्स फटे पुराने.
नाउ एंड देन मीन्स कभी कभी बीच बीच में जैसे होता है बार बार कह लो आप अगेन एंड अगेन, वो अपने फटे हुए कपड़ों को ऐसे खींच रहा है ऐसे जैसे ठंड लग रही हो उसे, ड्यू टू टू शील्ड हिज बॉडी फ्रॉम द कोल्ड एंड बाइटिंग विंड, तेज हवा चल रही है ठंडी हवा है और सर्द ऋतु है तो ठंड में वो अंदर घुसती होगी ठंड उसके कपड़ों में से होती है हड्डियों में जाती होगी, तो उसको ऐसे टाइटन कर रहा है कपड़ों को चलता हुआ। फ्रॉम सम हाउसेस केम द साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स, ये पुराने जमाने की बात है उन दिनों में जब ये चक्कियां नहीं होती थी आटा पीसने वाली, फ्लोर मिल्स नहीं होते थे, इक्का दुक्का कहीं बड़े शहर में होते थे, तो गांव में क्या होता था चक्कियां होती थी हाथ से ऐसे चलाने वाली ऐसे, और सुबह महिलाएं क्या करती ये कसरत होती थी उनकी एक किस्म से मजबूरी में, तो चक्कियां चलती थी 4 बजे उठ गई महिलाएं और चक्कियां चल रही हैं, गीत भी गा रही हैं साथ में, इंजॉय कर रही हैं उस काम को, हमने ये खुद देखी हैं चीज़ें। और साउंड ऑफ ग्राइंडिंग मिल्स, ग्राइंडिंग मिल्स की आवाज़ें आ रही हैं, एंड द स्वीट वॉइसेस ऑफ वीमेन सिंगिंग एट देयर वर्क, या आप यहाँ अंदाजा और भी लगा सकते हैं कोई ग्राइंडिंग मिल्स हैं आसपास उनकी आवाज़ें आ रही हैं, चक्कियाँ हो सकती हैं और चक्कियाँ वो हाथ वाली भी होती थी उन दिनों में, तो हम कोई इसमें ग्राइंडिंग मिल्स कहा है इसका मतलब आप चक्कियाँ फ्लोर मिल मान लो, ग्राइंडिंग वो चलाने वाली जो पीसती हैं आटा ग्राइंड करना होता है, तो उनकी आवाज़ आ रही है और आवाज़ें क्या थी वो टुक 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 ऐसे आवाज़ आती थी उन दिनों में, वो साइलेंसर पे लगे होते थे कि चक्की फ्लोर मिल चल रहा है, और औरतें महिलाएं जो थी वो गीत भी गा रही अपने काम करते हुए, सुबह उठ गई सुबह काम होते हैं महिलाओं को, और एंड द साउंड्स हेल्प्ड हिम अलोंग इज लोनली वे, और ये जो आवाज़ें आ रही थी उसको उसके अकेलेपन को तोड़ रही थी, अकेला जा रहा था अदरवाइज वो अपने विचारों में खोया हुआ जाता, तो ये आवाज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सिर्फ एकमात्र वो ही नहीं जागा हुआ इस समय और भी लोग जागे हुए, रौनक जैसे कहते हैं रौनक सी उसे महसूस हो रही थी, एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल बार्क ऑफ ए डॉग, और इस सन्नाटा था वैसे तो इस सन्नाटे को कभी कभार कोई कुत्ते के भौंकने की आवाज़ तोड़ती थी, एक्सेप्ट मीन सिवाय एक बात के ओकेजनल कभी कभार बार्क ऑफ ए डॉग कुत्ते का भौंकना, द डिस्टेंट स्टेप्स ऑफ ए वर्कमैन गोइंग अर्ली टू वर्क, या दूर से किसी व्यक्ति के अपने काम पे जाने के लिए वो जा रहा है मतलब काम पे जा रहा है तो उसके शूज़ की आवाज़ आ रही है ठक ठक की आवाज़ सड़क पे ऐसे दूर से आ रही है वो आवाज़, और द स्क्रीच ऑफ ए बर्ड डिस्टर्ब्ड बिफोर इट्स टाइम, या किसी पक्षी जैसे घोंसलों में पक्षी हैं उसके बच्चे हैं किसी के चीखने की बच्चे के चीखने की आवाज़ आती है, जैसे माँ की गोद में बच्चा सो रहा है रात को उसे भूख लगी है या कुछ है वो रो पड़ता है, तो इस तरह की किसी घोंसले में से किसी पक्षी की स्क्रीच की आवाज़ आई है, और बिफोर इट्स टाइम जैसे समय से पहले कोई डिस्टर्ब हो गया हो कोई और पक्षी वहाँ होवर कर रहा हो मंडरा रहा हो, जैसे रात को घूमने वाले पक्षी भी होते हैं ना, द होल टाउन वाज रैप्ड इन डेथली साइलेंस, सारा शहर एक सन्नाटे की लपेटे में था लिपटा हुआ था जैसे कोई चादर में लिपटा हुआ होता है सन्नाटे की चादर में लिपटा हुआ था, रैप्ड मीन्स लिपटा हुआ डेथली साइलेंस, साइलेंस जो होती है शमशान गाह में होती है उस तरह की सन्नाटा था, बिल्कुल चारों तरफ कोई चूचा कुछ नहीं थी, एक मौत का सन्नाटा वहाँ फैला हुआ था, तो ये सन्नाटा अखरता है बुरा लगता है, जो शोरगुल होता है वही अच्छा लगता है ह्यूमन बीइंग्स का, लोग अपने काम पे हों आवाज़ें आ रही हो शहर से शहर की गांव की अलग अलग आवाज़ें आ रही, कुत्ते भौंक रहे हैं लोग भजन गा रहे हैं ये रौनक वो अच्छी लगती है। मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप, अभी भी गांव के जो बाशिंदे थे रहने वाले थे अभी भी वो मौत के
आगोश में थे, मतलब मौत की, सॉरी मौत नहीं, नींद की आगोश में थे, सोए हुए थे, उसकी गोद में थे नींद की। द स्लीप विच ग्रू मोर एंड मोर, और वो ऐसे समय पे मोर फ्रॉम यह इसके साथ था, मोर एंड मोर प्रोफाउंड ऑन अकाउंट ऑफ द इंटेंस विंटर कोल्ड। सर्द ऋतु में, सर्दियों में क्या होता है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है सुबह के टाइम, रजाइयों में लोग, कंबलों में लोग दुबके पड़े होते हैं, तो नींद का मज़ा और भी हो जाता है, गहरा जाती है नींद, और उठने को मन नहीं करता। ऑन अकाउंट मीन्स के कारण, द इंटेंस मीन्स एक्सट्रीम विंटर कोल्ड। फॉर द कोल्ड यूज्ड स्लीप टू एक्सटेंड इट्स वे ओवर ऑल थिंग्स, इवन एज ए फॉल्स फ्रेंड लल्स हिज चोजन विक्टिम विद केरेसिंग स्माइल्स। और फॉर द कोल्ड, फॉर मीन्स बिकॉज, द कोल्ड यूज्ड स्लीप टू एक्सटेंड, कोल्ड ने, सर्द ऋतु ने जैसे कोई यूज किया है, यहाँ पे कोल्ड को, स्लीप को यूज किया है, नींद को, देखो किस रूप में यहाँ दिखा रहे हैं, एक पर्सनिफाई करके लेकर पेश कर रहे हैं स्लीप को, जैसे नींद को एक मित्र के रूप में, फ्रेंड के रूप में, फॉल्स फ्रेंड जो धोखा देने वाला फ्रेंड है उसको, जैसे हर आदमी को वो अपने विक्टिम बना लिया, जैसे नींद आ रही है उसके और उसको सहला रही है, और सो जा जैसे होता है। फॉर मीन्स बिकॉज, द कोल्ड यूज स्लीप टू एक्सटेंड इट्स वे ओवर ऑल थिंग्स, सभी चीज़ों पे अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कोल्ड को, स्लीप को यूज कर रही है ठंड। जैसे कोई फॉल्स फ्रेंड होता है अब, और वो मेक्स समन हाथ सिर पे फेर के उसके रिलैक्स करा रहा है, जैसे जैसे राहत महसूस करा रहा है किसी टेंशन से, इस चोजन विक्टिम अपने शिकार को विद केरेसिंग स्माइल्स, अपनी मुस्कान से, जेंटल एंड प्लीजिंग केरेसिंग होता है, जैसे कोई आपकी तरफ मुस्कुरा रहा है बड़े प्यार से, अट्रैक्टिव स्माइल है उसकी, आप सोचते हैं कि ये मेरा मित्र है, जबकि वो मित्र नहीं हो, टाइम पास कर रहे हैं। तो इस तरह से वो नींद उन्हें, उनकी नींद को और बढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन शिवरिंग एट टाइम्स, कभी कभी बीच बीच में वो कांप जाता था ठंड की वजह से, बट फिक्स्ड ऑफ पर्पस, परंतु इरादा मजबूत था, पर्पस जो उद्देश्य था उसका सीधा था बिल्कुल। प्रोडेड ऑन टिल ही केम आउट ऑफ द टाउन गेट, चलता गया चलता गया। प्रोड करना होता है जैसे स्लो स्टेप में, जैसे दिक्कत हो रही हो चलने में, परेशानी हो रही हो चलने में, इस तरह से चलता जा रहा था और शहर के बाहर आ गया, टाउन गेट तक से बाहर। ऑन टू स्ट्रेट रोड, अब सीधी सड़क पे चल रहा है। अलोंग दिस ही नाउ वेंट एट ए समवट स्लोअर पेस, अब सड़क के बराबर बराबर चल रहा है, तो पेस जो स्पीड थी उसकी और कम हो जाती है। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओल्ड स्टाफ, और एक छड़ी हाथ में उसके, लकड़ी कोई डंडा टाइप स्टिक है, उसके सहारे, वो डंडे के सहारे चल रहा है, थोड़ा उसका सहारा लेना शुरू कर दिया उसने। ऑन वन साइड ऑफ द रोड वाज ए रो ऑफ ट्रीज, सड़क की एक साइड पे वृक्ष थे, एक पूरी कतार थी, पंक्ति थी वृक्षों की। ऑन द अदर साइड द टाउन्स पब्लिक गार्डन, और दूसरी तरफ शहर का, उस कस्बे का पब्लिक गार्डन था, बाग था, बगीचा था, कोई बाग कह लो आप। द स्काई वाज डार्कर नाउ, आसमान अब और अंधेरे वाला हो गया था। एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, और ठंड अधिक बढ़ गई थी। फॉर द विंड वाज ब्लोइंग स्ट्रेट अलोंग द रोड, क्योंकि हवा सड़क के सीधी साथ साथ चल रही थी, तीखापन था बाहर, शहर के बाहर की हवा थी, ठंडी थी, शहर के अंदर जो कस्बा है वहाँ लोगों की गर्माइश होती है और वातावरण वहाँ का थोड़ा गर्म होता है, बाहर ठंड थी ज़्यादा, इंटेंस थी, बढ़ गई थी ठंड। ऑन विच दे फेल लाइक फ्रोजन स्नो, और वृक्ष ऐसे लग रहा था जैसे वृक्ष की टहनियाँ बर्फ से लदी हुई हों,
और ओनली द फेंट लाइट ऑफ द मॉर्निंग स्टार, मत अंधेरा बढ़ गया था, गहन हो गया था, सिर्फ जो फेंटिंग मीन्स डिम होते हुए सितारों की वो जो रोशनी थी अभी वही थी। दोबारा पढ़ता हूँ। ऑन वन साइड ऑफ द रोड वाज अ रो ऑफ ट्रीज, एक साइड पे वृक्षों की कतार थी, दूसरी साइड पे शहर का कस्बे का एक पब्लिक गार्डन था, आम जनता के लिए बाग था। द स्काई वाज डार्कर नाउ, आसमान अब काला हो गया था, मतलब अंधेरा बढ़ गया था उसमें। एंड कोल्ड मोर इंटेंस, ठंड और बढ़ गई थी क्योंकि जो विंड थी वो सीधे सड़क के साथ साथ चल रही थी, मतलब बह रही थी, खुली हवा वातावरण था वहाँ। ऑन विच दे फेल लाइक फ्रोजन स्नो, दे स्टैंड्स फॉर यहाँ ट्रीज है, जैसे वो झुके हुए हवा में चलते थे तो हवा में हिलते होंगे, जैसे फ्रोजन होती है हवा या स्नो होती है, बर्फ जमी हुई होती है, इस तरह की ठंड वो पैदा कर रहे थे। Only the faint light of the morning star, और सिर्फ faint light morning star की सुबह जो तारा होता है, एक तारा निकल आता है जैसे तारी भी बोलते हैं उससे, तो उसकी faint सी light थी, भोर का तारा जिसे कहते हैं। At the end of the garden stood a handsome building of the newest style, उस garden के बिल्कुल उस छोर पे end पे एक modern newest style में बनी हुई building थी। And the light gleamed through the crevices of its closed doors. उसके बंद दरवाजों में से जो सुराग बने हुए थे, crevices थे, small cracks थे, वहाँ से आवाज, वो जो रोशनी थी चमकती हुई बाहर की तरफ आ रही थी। Through the crevices of its closed doors and windows, खिड़कियों के जो crevices होते हैं उनमें से भी रोशनी दिख रही थी। Beholding the wooden arch of this building, the old man was filled with joy. जैसे मंजिल के पास कोई पहुंच जाता है तो मुस्कुराहट आ जाती है कि चलो शुक्र है पहुंच गए। तो इस बूढ़े को वो जो रास्ता तय किया उसने, बहुत इसका मतलब वो बड़े मुश्किल से चल के आया है, उसे लग रहा था आसानी से, ये नहीं कि वो नौजवान व्यक्ति की तरह चलता चलता पहुँच गया और थका नहीं, इसको थकान हुई है, इस वजह से वो खुश हुआ उसको देख के, बिल्डिंग को उसके जो जैसे ये गेट है इस तरह का बना हुआ था आर्च टाइप, उसको देख के खुश हो गया था। ओल्ड मैन वाज फिल्ड विद जॉय दैट द पिलग्रिम फील्स व्हेन ही फर्स्ट सीज द गोल ऑफ हिज जर्नी, जैसे कोई तीर्थ यात्री होता है अपने गंतव्य पे, अपने मंजिल पे पहुँचता है, और उसे वो तीर्थ यात्री इसलिए कि वो पिलग्रिमेज जो होती है जहाँ आदमी जाते हैं, लोग मक्का में जाते हैं, किसी धर्म स्थल पे और पे जाते हैं, अपने अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, या हरिद्वार तीर्थ स्थल है जैसे, तो उसको जब नज़दीक दिखता है तो खुशी होती है कि पहुँच गए हम, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। ऑन द आर्च हंग एन ओल्ड बोर्ड, उस आर्च पे पुराना बोर्ड टंगा हुआ था, हंग मीन्स टंगा हुआ, विद द न्यूली पेंटेड लेटर्स, उसमें नए अभी पेंट हुए एक वो थी, एक स्लेट टाइप की जिसमें पोस्ट ऑफिस लिखा हुआ था। द ओल्ड मैन वेंट इन क्वाइटली एंड स्क्वाटेड ऑन द वेरांडा, और ये बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति चुपचाप अंदर प्रवेश कर जाता है और वरेंडा में अपना पालथी मार के बैठ जाता है, स्क्वैट करके बैठ जाता है, घुटनों के बल बैठता है या फिर पूरा बैठ जाता है। द वॉइसिस ऑफ टू और थ्री पीपल बिजी एंड देयर रूटीन वर्क कुड बी फेंटली हर्ड थ्रू द वॉल, दीवार में से अंदर कोई जैसे बिजी हो, कोई दो तीन आदमी, आवाजें आ रही थी। Two or three people busy and their routine work in their routine work could be faintly हल्की सुनाई दे रही थी। पुलिस सुपरिंटेंडेंट, ये आवाज आई पहले, ए वॉइस कॉल्ड शार्पली, लेटर होगा पुलिस सुपरिंटेंडेंट का। द ओल्ड मैन स्टार्टेड, एकदम वो उस आवाज पे चौंका, स्टार्ट मैंने चौंकना है यहाँ पे, बट कंपोज्ड हिमसेल्फ अगेन टू वेट, फिर एकदम कंपोज किया अपने आप को, कंट्रोल में किया।
और वेट करने लगा. बट फॉर द फेथ एंड लव दैट वार्म्ड हिम ही कुड नॉट हैव बोर्न द बिटर कोल्ड. वो जो ठंड थी बाहर इतनी बिटर बाइटिंग कोल्ड थी, कड़ाके की ठंड थी, हड्डियों में घुसी जा रही थी, वो सहन करना आसान काम नहीं होता जब तक कोई और चीज ना हो उसके मन में. ये जो प्यार था उसके गर्माइश थी, प्यार की विश्वास की गर्माइश थी, इस वजह से वो बाइटिंग कोल्ड को सहन कर रहा था. जैसे ठंड पड़ रही है, आपको ठंड नहीं लग रही, ठंड लग तो रही है बट आप महसूस नहीं कर रहे. जब आपके उद्देश्य कोई और बड़ा होता है, उस ठंड सब चीज़ें ये गौण हो जाती हैं, छोटी पड़ जाती हैं. जब आपका दिमाग में मंजिल पाने की इच्छा होती है तो आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं आपकी मंजिल के सामने, आपके लक्ष्य के सामने. नेम आफ्टर नेम रैंग आउट फ्रॉम विद इन एज द क्लर्क रेड आउट द इंग्लिश एड्रेसेस. नाम एक नाम दूसरा नाम, इस तरह से एक क्लर्क अंदर अंग्रेजी में लिखे गए एड्रेस को पढ़ रहा था और वो सुन रहा था. इन द लेटर्स एंड फ्लंग देम टू द वेटिंग पोस्टमैन. और पोस्टमैन बैठे हुए थे अपने अपने बीट के. बीट क्या होता है? जो पोस्टमैन का एरिया होता है जहाँ उसे डिलीवर करने होते लेटर्स, तो पोस्टमैन बैठे उनको ऐसे फेंकते जा रहे थे कि ये तेरी बीट का है, तेरी बीट का, तुम्हारे एरिए का है. फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिस ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड एट रीडिंग आउट द टाइटल. जो क्लर्क था उसे काफी प्रैक्टिस हो गई थी, नाम वही चलते थे और फटाफट नाम पढ़ रहा हो, कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट, दीवान साहब, लाइब्रेरियन, एंड इन फ्लिंगिंग द लेटर्स आउट, लेटर्स को फेंकता हो, फ्लिंग करना, फेंकना होता है. इन द मिडस्ट ऑफ दिस प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के बीच में, ये जो क्रिया वो कर रहा था फेंकने की, इसके बीच में जेस्टिंग वॉइस फ्रॉम इनसाइड कोल्ड, एक मजाक करने की आवाज एक और आई बीच में से. मजाक करने के मूड में था वो बंदा. कोचमैन अली, ये कह दिया उसने. अली द ओल्ड मैन गॉट अप, और बूढ़ा व्यक्ति का नाम था वो कोचमैन अली, और वो एकदम खड़ा हो गया. रेज्ड हिज आइज टू हेवन, और अपनी आंखें ईश्वर की तरफ, भगवान की तरफ, आसमान की तरफ, ऐसे कि हे ईश्वर, जो भी आपका ईश्वर है. इस तरह से कोचमैन अली ने ऊपर हाथ करके हे अल्लाह जैसे कहते हैं, हे खुदा, इन ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते हुए खुदा का अपने. एंड स्टेपिंग फॉरवर्ड पुट हिज हैंड, और आगे बढ़ के अपने हाथ को दरवाजे में ऐसे फैला दिया, ऐसे जैसे कोचमैन अली का नाम लिया. उसने सोचा कि लेटर उसका मिल गया उसे. गोकुल भाई, उसने आवाज भी दी अंदर कि गोकुल भाई, और अंदर से आवाज ही, यस, हु इज देयर, कौन है अंदर, कौन है वहां. यू कॉल्ड आउट कोचमैन अलीज नेम, डिडंट यू, हियर आई एम, आई हैव कम फॉर माय लेटर. आपने कोचमैन अली का नाम पुकारा, क्या नहीं पुकारा था, मैं अपना लेटर लेने आया हूं. इट्स ए मैड मैन सर हु वरीज अस बाय कॉलिंग एवरीडे फॉर लेटर्स दैट्स नेवर कम. और दूसरी आवाज आई, सर ये तो पागल आदमी है, रोज आता है यहाँ लेटर लेने, हमें तंग करने आ जाता है, और लेटर जो कभी नहीं आते इसके, डेली पूछता है हमारा, मेरा लेटर आया है कोई. सेड द क्लर्क टू द पोस्टमास्टर, क्लर्क ने पोस्टमास्टर को ये बात कही. द ओल्ड मैन वेंट बैक स्लोली टू द बेंच ऑन विच ही हैड बीन अकस्टम टू सिट. जिस बेंच पे, जिस जगह पे बैठता था उसी जगह पे आदि था बैठने का. अकस्टम्ड मीन्स आदि होना, और वहीं पे 5 साल से वो बैठा आ रहा था, वहीं पे बैठता था इंतजार में, प्रतीक्षा में, वहीं बैठ के जा रही. अली हैड बीन ए क्लेवर शिकारी. अब फ्लैश बैक चलता है थोड़ा अली के बारे में, कोचमैन अली के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, बूढ़े व्यक्ति के बारे में बता रहे. लेकर बड़ा शिकारी, बड़ा चलाक शिकारी था. एज हिज स्किल इंक्रीज सो डिड हिज लव फॉर द हंट. जैसे जैसे उसकी कला, शिकार करने की कला बढ़ती गई, पुख्ता होती गई, उसमें महारत हासिल करता गया वो, तो उसका हंटिंग का शौक भी बढ़ता गया. Till at last it was as impossible for him to pass a day without hunting as it is for the opium eater to forgo his daily portion. और वो नशा इतना हो गया हंटिंग का, जैसे कोई अफीमची होता है ना,
जब तक वो अफीम ना ले ले उसको चैन नहीं आता, जैसे ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं जिस तरह, तो इसे भी हंट ना कर ले जिस दिन, वो बेकार लगता है, आज का दिन बेकार गया जिस दिन हंटिंग ना करे, वो इतना एडिक्ट हो गया था हंटिंग का। और मिस नहीं, फॉरगो करना, मिस करना अपना डेली पोर्शन जो ओपियम ईटर लेता है, खाता है अफीम को। व्हेन अली साइटेड द अर्थ ब्राउन पार्ट्रिज, ये पार्ट्रिज प्रोनंसिएशन है, पार्ट्रिज ये तीतर होता है, भूरे रंग का तीतर, और जब भी वो साइट करना देखता था भूरे रंग का अर्थ ब्राउन पार्ट्रिज को, ऑलमोस्ट इनविजिबल टू अदर आइज, जो ये तीतर होता है दिखता नहीं, मिट्टी जैसा रंग होता है, मटियाला होता है उसका रंग, तो दूसरी दूसरों की आंखें तो उसको देख नहीं सकती, परंतु इस अली की आंखें तो बड़ी पैनी थी, देख लेता था। The poor bird, they said, was as good as in its bed. अगर इसको तीतर नजर आ गया छुपा हुआ बैठा हुआ, जैसे झाड़ियों में से वो जा रहे हैं शिकार देखते हुए कि कोई तीतर होगा, कोई शिकार हो, खरगोश होगा, तो तीतर दिख गया तो बस वो तो समझ लो उसके बैग में आ गए, इतना पक्का निशान चीज था। His sharp eyes saw the hare crouching, और उसकी पहनी निगाहें झाड़ियों में छुपे हेयर को, खरगोश को भी देख लेती, जान लेती। क्राउचिंग होता है ऐसे दुख का बैठा हो, डरा हुआ सा कोई हेयर। इवन व्हेन द डॉग्स फेल टू सी द क्रीचर कनिंगली हिडन इन द येलो ब्राउन स्क्रब, भूरे रंग की झाड़ी में छुपा हुआ खरगोश को देखने में कुत्ते भी नाकामयाब हो जाते, वो भी ना देख असमर्थ हो जाते, परंतु अली की आंखें वुड कैच द साइट ऑफ हिज ईयर्स, उसके कान दिख जाते अली को कि ये तो खरगोश है। एंड इन अनदर मोमेंट इट वाज डेड, और दूसरे पल वो मर गया, इतना पक्का वो था, हंटर था। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, अगर एस काट दे तो ये नियर हो जाता है, बिसाइड नियर पास एस लगा दो, इन इसके अलावा, इन एडिशन टू, ही वुड ऑफन गो आउट विद हिज फ्रेंड्स द फिशरमैन, इसके मित्र कौन थे, फिशरमैन थे, मछियारे थे, उनके साथ शिकार पे जाता है। बट व्हेन द इवनिंग ऑफ हिज लाइफ वाज ड्रॉइंग इन, जब उसके जीवन की शाम करीब आती गई, नजदीक आती गई, पास आती गई, ही लेफ्ट हिज ओल्ड वेज, अपने पुराने तौर तरीके छोड़ दिए उसने, एंड सडनली टुक ए न्यू टर्न, उसकी लाइफ में एक नया टर्न आ गया, नया मोड़ आ गया। His only child, Miriam, married and left him. उसकी एक ही बेटी थी मिरियम, उसकी शादी हो जाती है और वो चली जाती है अपने घर ससुराल में। She went off with a soldier into his regiment in the Punjab. पंजाब में, पंजाब की रेजिमेंट में, उस समय की बात है जब ये पंजाब वगैरह इकट्ठे थे, लाहौर वगैरह ये सारे, तो पंजाब रेजिमेंट का एक सैनिक था, उसके साथ शादी होगी, वहाँ चलेगी। And for the last 5 years, he had no news of this daughter. और पिछले 5 साल से अपनी बेटी का कोई समाचार इसके पास नहीं आ रहा था। Whose sake alone he dragged along a cheerless existence. और for whose sake, जिसके खातिर alone, अकेला वो drag कर रहा था, खींच रहा था इसको along a cheerful existence, cheerless, जिसमें ऐसे ऐसे जीवन एग्जिस्टेंस, ऐसे ऐसे जीवन हो गया था उसका, ड्राई हो गया था, डल हो गया था, जिसमें कोई कोई खुशी ना हो, नीरस हो गया था बिल्कुल, बोर हो गया था लाइफ से, वो अकेला था, बेटी का समाचार नहीं आता, तो बोझ लगने लगा था उसे जीवन, खींच रहा था उस गाड़ी को उम्मीद में। तो वीडियो लेक्चर 1 फिनिशेस हियर, इसके तुरंत बाद जल्दी ही मैं वापस आ रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके लिए। Till then, have a nice day. Thank you.